Hello students, I am here again with my new video, and in this video I am going to show you an activity, or you can say it an experiment. So in this activity we will find out the chemical nature of substance, whether it is acidic or basic. So for this I have taken some solutions. Okay, you can see here, this is a turmeric solution. I have made this by mixing turmeric with water. ये turmeric solution है, हल्दी का घोल है, जिसे कि मैंने turmeric, हल्दी और पानी को mix करके बनाया है. ये turmeric solution. This is the lemon juice. ये नींबू का रस है, जिसे कि मैंने नींबू को squeeze करके उसका रस निकाल के रखा है. This is soap solution. साबुन को पानी में मिक्स करके हम इसे बना सकते हैं, या फिर डिटर्जेंट को वाटर में मिक्स करके हम इसे बना सकते हैं. एंड ऑल्सो आई हैव टेकन अ वैकेंट और वैकेंट टेस्ट ट्यूब. एक खाली टेस्ट ट्यूब मैंने लिया है. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये तीन सब्सटेंसेस है. फर्स्ट वन इज टर्मेटिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज लेमन जूस, एंड द थर्ड वन इज डिटर्जेंट सॉल्यूशन. बट ये दो जो है, लेमन जूस और डिटर्जेंट, ये हमें पता नहीं है कि इन दोनों में से एसिडिक कौन सा है और बेसिक कौन सा है. तो हमें फाइंड आउट करना है. और हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो हम फाइंड आउट करेंगे इस टर्मेरिक के हेल्प से. ओके, तो इन सबसे पहले ये जरूरी है जानना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एंड इंडिकेटर क्या होता है. ओके, नाउ एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज विच आर सॉर इन टेस्ट. एसिड वो केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जिनका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है. ओके, और साथ ही ये बहुत ही कोरोसिव होते हैं. कोरोसिव बोलने का मतलब है कि ये जिस भी जगह पे गिरेंगे उस चीज को वो जला देंगे. तो एसिड्स को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है. बहुत सारे ऐसे एसिड्स है जो कि वीक होते हैं, जो कि ज्यादा कोरोसिव नहीं होते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. बट जनरली जो एसिड्स होते हैं जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग एसिड्स होते हैं. ओके, जैसे कि एग्जांपल्स एसिड्स के क्या है, अगर हम लोग घर पे अगर अपने देखें कि कौन कौन से एसिड्स हमारे घर पे है, तो जैसे कि लेमन हो गया, नींबू, उसमें भी एसिड पाया जाता है. ओके, और साथ ही जो चींटी होती है, जो चींटी का जो बाइट होता है, उसमें भी एसिड होता है, बट ये वीक एसिड होते हैं. नाउ हम व्हाट इज बेस. बेस क्या होता है, बेस द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. वो सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट, जिनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, उन्हें बेस बोला जाता है. साथ ही अगर इनको हम लोग टच करेंगे तो सोपी फील होगा. जैसे हम लोग साबुन को टच करते हैं तो कैसा फील होता है, स्लिपरी फील होता है ना, वैसा ही अगर हम लोग बेस को भी टच करते हैं तो वो सोपी स्लिपरी टाइप का फील होता है. नाउ बेस के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये सब बेस के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ ये तो एसिड और बेस का हो गया कि एसिड क्या है, बेस क्या है. नाउ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स किसको बोलते हैं, द सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द केमिकल नेचर ऑफ अ सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस का अगर केमिकल नेचर को आइडेंटिफाई करने में जिस चीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे ही इंडिकेटर बोला जाता है. जैसे कि टर्मेरिक हो गया, टर्मेरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसको कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई केमिकल सब्सटेंस दिया है तो उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है. और ये जो इंडिकेटर्स है वो कैसे बताते हैं कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो वो अपने कलर को चेंज करके बताते हैं. जब हम लोग मिक्स करेंगे सॉल्यूशंस को तो उनका कलर चेंज हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है. अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे, हम लोग एसिड बेस टेस्ट करेंगे. नाउ हमारे पास पहले ही बताया था कि क्या क्या है, लेमन है एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन है. अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है. तो टर्मेरिक को हम लोग इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे, ये एक नेचुरल इंडिकेटर है. और टर्मेरिक का एक प्रॉपर्टी है कि अगर इसको हम लोग एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं होता है. ओके, अगर हम लोग एसिड में डालेंगे टर्मेरिक को तो कोई कलर चेंज नहीं होगा. अगर हम लोग मान लो कि बेस में डालते हैं तो कौन सा कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का वो फिर सॉल्यूशन दिखने लगता है. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस सॉल्यूशन को हमें नहीं पता है ये एसिड है या बेस है, हमारे पास टर्मेरिक है, टर्मेरिक सॉल्यूशन. अब हम देखेंगे कि इस
टर्मेरिक को जब इस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होता है? अगर कोई कलर चेंज नहीं होगा तो वो एसिड है, और अगर रेडिश ब्राउन होता है तो वो बेस है। नाउ वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, हमारे पास एक खाली टेस्ट ट्यूब है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस सॉल्यूशन को इसमें डालते हैं। ये सॉल्यूशन कौन सा है? डिटर्जेंट। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस टर्मेरिक सॉल्यूशन को डालेंगे। कुछ दिख रहा है? Is it changing its color? Yes, it is changing its color. Color क्या हो रहा? Change हो रहा है. Reddish brown color आ रहा है, isn't it? अच्छे से अगर इसको हम लोग mix कर ले तो हम लोग देख सकते हैं कि ये color change हो गया है. ठीक है, तो ये क्या है, acid है या base है? बेस, एग्जैक्टली, ये बेस है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये लेमन जूस है और ये टर्मेरिक सॉल्यूशन है। अब हम लोग इस लेमन जूस में टर्मेरिक को डाल करके देखते हैं फिर क्या होता है। इज देयर एनी कलर चेंज? नहीं, येलो टर्मेरिक है तो येलो का येलो ही रह गया, ये कोई कलर चेंज नहीं हुआ है ना, कुछ भी कलर चेंज इसमें नहीं हुआ है, येलो का येलो ही रह गया, कोई कलर चेंज नहीं है, रेडिश ब्राउन नहीं हुआ। दैट मीन्स ये क्या है, बेस है। हमने जब डिटर्जेंट और टर्मेरिक सॉल्यूशन को मिक्स किया तो हमें रेडिश ब्राउन कलर मिला, और जब टर्मेरिक एंड लेमन जूस को मिक्स किया तो हमें क्या मिला, नो कलर चेंज, यानी कि ये बेस है एंड ये एसिड है। डिटर्जेंट सॉल्यूशन बेस है एंड लेमन जूस एसिड। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम टर्मेरिक सॉल्यूशन को अगर एसिड में डालते हैं तो नो कलर चेंज, और अगर टर्मेरिक सॉल्यूशन को बेस में डालते हैं तो रेडिश ब्राउन कलर आता है। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।